दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, बारिश और बाढ़ से बिहार में तबाही। गंगा, सोन और पुनपुन समेत कई नदियां लाल निशान के पार, कई इलाकों में डर का माहौल। जी हां, बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गंगा नदी के बढ़ने का सिलसिला तो जारी है, तो दूसरी प्रमुख नदियां भी एक बार फिर उफनाने लगी है तथा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। लिहाजा आधा बिहार में जल प्रलय के हालात है। उधर मौसम विभाग ने एक दर्जन जिलों में अगले 15 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में उन जिलों के कई इलाकों में डर का माहौल बन गया है। वहीं सोन, पुनपुन, कोसी समेत राज्य की नदियां पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में बारिश नहीं थमी तो इनका जलस्तर और बढ़ सकता है तथा हालात और बिगड़ते जाएंगे। शुक्रवार को भी राज्य की 11 नदियां लाल निशान से ऊपर है। गंगा ने तो हाथीदह में जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया HFL बना दिया है। आपको बता दें कि कोसी, गंडक, बागमती और कमला सहित उत्तर बिहार की कई नदियां फिर से उफनाने लगी है। अगली बड़ी खबर, सोन और गंगा नदी के जलस्तर का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को भोजपुर में सोन और सारण में गंगा नदी के जलस्तर का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने छपरा में सामुदायिक रसोई और कोरोना टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से इन क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान CM नीतीश ने बाढ़ पीड़ितों का हालात जाना, जिसके बाद अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने का निर्देश। छपरा के डोरीगंज, मौजमपुर होते हुए मुख्यमंत्री सोनपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी पहुंचे। सारण के मस्सेपुर चौक पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक किचन में भोजन कर रहे लोगों से बातचीत की और सामुदायिक किचन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बड़ी खबर, बिहार के 12 जिलों में रेड तो बाकी जिलों में ब्लू अलर्ट। NDRF और SDRF की 21 टीमें तैनात। जी हां, 13 वर्षों के बाद इस बार मानसून ने बिहार में समय से पहले ही एंट्री कर ली थी। इस पर मौसम विभाग ने भी कहा था कि इस बार बारिश भी सुबह में रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसका असर भी दिख रहा है। जून जुलाई में अच्छी बारिश के बाद अगस्त में भी मानसून अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। एक बार मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। इसमें दर्जन भर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 15 और 16 अगस्त के लिए कुछ जिलों में रेड तो बाकी में ब्लू अलर्ट जारी किया है। दरअसल बिहार में गंगा उफान पर है, खासकर पटना के गंगा घाटों पर पानी का जबरदस्त दबाव है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जिलों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश के आसार है। NDRF और SDRF की 21 टीमें तैनात की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बाकी जिलों में ब्लू अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। उत्तर बिहार में अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, सिवर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विभाग ने 16 अगस्त को भी 24 से अधिक जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, उत्तर बिहार में मूसलाधार बारिश ने रोकी रेल की रफ्तार, साबरमती बाग समेत आधा दर्जन ट्रेनें लेट। जी हां, उत्तर बिहार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही है। मुजफ्फरपुर स्टेशन होकर आने वाले कई ट्रेनें लगातार देरी से पहुंच रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उत्तर बिहार में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। जानकारी के अनुसार तेज बारिश की वजह से जंक्शन आने वाले आधा दर्जन ट्रेनें लेट रही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अहमदाबाद से दरभंगा जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस अपने समय से करीब 2.5 घंटे लेट जंक्शन पहुंची है। इसमें पाटलिपुत्र रक्सोल 1.5 घंटे, पुणे स्पेशल, शहीद एक्सप्रेस, बाग एक्सप्रेस, यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लेट रही है। स्टेशन अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि ट्रेन जंक्शन पर समय से खुली है, दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रेनें कुछ लेट है, यात्रियों को थोड़ी परेशानी हुई है, हालांकि हम इसे मेंटेन कर रहे हैं।
बड़ी खबर, बिहार के दरभंगा छपरा सहित इन रेलवे स्टेशनों को रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी हाईटेक। मोदी सरकार के इस फैसले से बदलेगी तस्वीर। जी हां, बिहार के दरभंगा छपरा सहित चार रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास योजना के तहत वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाया जाएगा। इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएगी। जानकारी के अनुसार रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही दरभंगा, छपरा, बरौनी और सीतामढ़ी को हाईटेक स्टेशन बनाने की तैयारी कर रही है। आरएलडीए के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश डिजिटा ने मनी कंट्रोल वेबसाइट को बताया कि इस स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुनर्निर्माण के बाद स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट व हर प्लेटफॉर्म पर एक्सेलेटर व लिफ्ट बनाए जाएंगे। साथ ही खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट आदि शामिल होंगे। इससे आम यात्रियों के साथ वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। दिव्यांग जनों के लिए भी सभी सुविधाएं, रैंप, ब्रेल लिपि आदि प्रदान की जाएगी ताकि दिव्यांगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बड़ी खबर, बिहार में भूमि सुधार के लिए डीसीएलआर का नहीं लगाना होगा चक्कर। ये तरीका अपनाकर दाखिल खारिज में करवा सकते हैं सुधार। जी हां, बिहार में अब दाखिल खारिज में सुधार करवाने के लिए आपको अनुमंडल कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। दरअसल बिहार सरकार का राजस्व विभाग अब दाखिल खारिज में सुधार की प्रक्रिया डिजिटल करने जा रहा है। इसके तहत अब लोगों को दाखिल खारिज सुधार के लिए राजस्व विभाग के वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। जानकारी के अनुसार दाखिल खारिज अपील बाद मैनेजमेंट सिस्टम के लागू होने के बाद आवेदक को म्यूटेशन मामले में अपना केस नंबर और अंचल अधिकारी के आदेश के छाया प्रति के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय जाकर आवेदन देना होगा। वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदन की ऑनलाइन एंट्री करेगा, आवेदक को उसकी पावती देगा। पावती पर ऑटो जनरेटेड केस नंबर दर्ज होगा। इस नंबर के आधार पर ही आवेदक आवेदन के बारे में घर बैठे जानकारी हासिल करेगा। बताते चले कि सरकार की ओर से इस काम को लेकर पिछले दिनों आधिकारिक वेबसाइट को रीडिजाइन किया गया था। दाखिल खारिज से संबंधित मामले में ऑनलाइन प्रयोग के लिए biharbhumi.bihar.government.in पर जाकर काम कर सकेंगे। बड़ी खबर, बिहार के पहले से आठवीं तक के बच्चों की सेहत का ख्याल रखेगी बिहार सरकार। जी हां, अच्छी शिक्षा के साथ सरकार अब स्कूली बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखेगी। तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1,70,00,000 बच्चों का हेल्थ कार्ड बनेगा। इसके जरिए बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य महकमे के सहयोग से स्कूल के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। जांच के आधार पर बच्चों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने वाले राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना की टीमें भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय समेत अन्य सेकेंडरी स्कूलों में जाकर छात्राओं की सेहत जांचेगी। आपको बता दें कि कार्ड में बच्चों के स्वास्थ्य समेत टीकाकरण का भी विवरण होगा। बार कोडिंग कराने पर भी विचार हो रहा है। बच्चों को सुबह का नाश्ता और मिड डे मील समय से मिला या नहीं, इसका भी कॉलम होगा जिसे अभिभावक भरेंगे। बड़ी खबर, पटना में गुरुवार को कटा 786 वाहन का चलान। परिवहन विभाग पूरे बिहार में चलाएगा अभियान। जी हां, बिहार के सड़कों पर वाहन चला रहे लोगों को सावधानी और बढ़ा देनी चाहिए। कई जिलों में पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया है, तो परिवहन विभाग भी अब स्कूलों के खुलने के बाद सतर्क हो गया है। पटना में यातायात पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान के तहत गुरुवार को 796 वाहनों का चालान काटा। उन वाहनों के चालकों से 8,35,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। सबसे ज्यादा वाहन चालकों को हेलमेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट नहीं बांधने पर चालान किया गया। यातायात पुलिस द्वारा 10 दिन का विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को विशेष जांच अभियान का छठवां दिन था। आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह अभियान पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। बड़ी खबर, चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू यादव ने सीबीआई कोर्ट से मांगा समय, 17 को होगी अगली सुनवाई। जी हां, चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में अब 17 अगस्त से बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू की जाएगी। शुक्रवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में 85 आरोपियों की ओर से याचिका दायर कर समय की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि पिछले आदेश के आलोक में हाईकोर्ट जाएंगे, इसीलिए समय दिया जाए। जबकि लालू प्रसाद समेत शेष अन्य आरोपियों की ओर से कहा गया कि कुछ दिनों का वक्त दिया जाए, अपने मुवक्किलों से बात कर बहस प्रारंभ करना चाहते हैं। अदालत ने इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त निर्धारित की है।
बिहार के 72,000 स्कूलों में तैयारी तेज। 133 दिन के बाद पहली से आठवीं कक्षा के बच्चे आएंगे पढ़ने। जी हां, बिहार के 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू कराने को लेकर तैयारी तेज है। 15 अगस्त को विद्यालय में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह में बच्चे शामिल होंगे और 133 दिन बाद 16 अगस्त से बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाएंगे। हर दिन प्रत्येक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ने आएंगे, यानी हर बच्चे एक दिन छोड़कर पढ़ाई करने कक्षा में आएंगे। बड़ी खबर, बिहार में पॉलिटेक्निक व पारा मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। जी हां, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी पॉलिटेक्निक एवं गैर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के साथ साथ पैरामेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए 14 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस बाबत परिषद ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में 4 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। परिषद के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि राज्य के 41 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 12,000 सीटें तथा 8 निजी संस्थान में 3460 सीटें निर्धारित है। पटना वासियों को अब नहीं काटने होंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर, 25 से 50 रुपए में मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, पटना स्मार्ट सिटी के तहत पहले चरण में 9 जन सुविधा केंद्रों को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। यहां पर विभिन्न सरकारी योजनाएं एवं सेवाओं से जुड़ी कागजी कार्रवाई, टैक्स भुगतान, फीस भुगतान, बिजली भुगतान, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस नवीकरण आदि सेवाएं मात्र 25 से लेकर 50 रुपए में प्राप्त होगी। जन सुविधा केंद्र शुरू होने से ना तो शहरवासियों को दूर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने होंगे और ना ही भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने की मजबूरी होगी। आपको बता दें कि पहले चरण में पटना के वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 43, वार्ड नंबर 46, वार्ड नंबर 53, वार्ड नंबर 58 तथा वार्ड नंबर 65 में इसकी शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर, इस सरकार के लिए शराब ही सबसे अहम। हर सप्ताह में 2 दिन शराबबंदी के लिए सरकार करेगी हाई लेवल मीटिंग, आदेश हुआ जारी। जी हां, बिहार में तबातोड़ और बेलगाम अपराधी वारदातों के बीच नीतीश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह तय किया गया है कि गृह विभाग के प्रमुख यानी अपर मुख्य सचिव अब लगातार पुलिस से लेकर अपने अधीन के सारे काम की समीक्षा करेंगे। इसके लिए बैठक सप्ताही, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक होगी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार सरकार हर सप्ताह 2 दिन सिर्फ शराब से जुड़े मामलों पर हाई लेवल बैठक कर शराबबंदी की समीक्षा करेगी। और अंत की बड़ी खबर, गांधी मैदान में हो गया फाइनल रिहर्सल, आम लोगों के बगैर होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। जी हां, पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को यहां झंडोत्तोलन करेंगे। इस मौके पर आम लोगों को गांधी मैदान में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि गांधी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए केवल माननीयों के अलावा वीवीआईपी, वीआईपी और प्रमुख लोगों को ही मंत्र दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कार्ड के रंग के आधार पर गांधी मैदान में इन्हें एंट्री दी जाएगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में पहले से आठवीं तक के बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनने से बच्चों को कितना फायदा होगा, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।